आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आप फोटो एल्बम बना सकते हैं पावर पॉइंट में। तो चलें पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, देन इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल पावर पॉइंट को ओपन कर लें और यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा। आपने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है और फोटो एल्बम को आपने सिंगल क्लिक करना है। यह आपके पास फोटो एल्बम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट करनी है जो जो पिक्चर्स आपको रिक्वायर्ड हैं। तो मैं इन ऑल पिक्चर्स को सिलेक्ट कर रही हूँ और इंसर्ट कर रही हूँ। तो इंसर्ट करने के बाद ओवरऑल मेरे पास 14 इमेजेस आई हैं। आप किसी भी इमेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू नज़र आएगा या थंबनेल नज़र आएगा। अब आप किसी भी पोजीशन चेंज करना चाहते हो किसी इमेज के, तो आप वो भी इजीली चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लास्ट में मेरी एंड वाली शो हो रही है, मैं इसको चाह रही हूँ थर्ड लास्ट पे आए। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से चेक मार्क करना है और इसको अपवर्ड एरो से मूव करवा देना है। अब लास्ट में मेरे पास ये वाली है, सेकेंड लास्ट ये हो चुकी है एंड थर्ड लास्ट पे अभी आ चुके हैं। चूँकि ये एंड की स्लाइड है तो ऑफकोर्स इसको एंड पे ही आना चाहिए। तो अब मैं अगेन इसको डाउनलोड ही मूव करवा रही हूँ। अब इसके बाद पिक्चर की जो लेआउट है वो फिट टू स्लाइड है, बट मुझे वन पिक्चर चाहिए, एक स्लाइड के ऊपर एक ही पिक्चर चाहिए। और इसका जो फ्रेम है वो मुझे चाहिए सेंटर शेडो रेक्टेंगल। मुझे कैप्शन भी रिक्वायर्ड है, तो फिर मैं कैप्शन बिलो ऑल पिक्चर्स को भी चेक मार्क कर रही हूँ एंड देन क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सिंपल सी फ़ोटो एल्बम आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आपने देखा था कि प्रीव्यू में कि इसके बैकग्राउंड में इमेज आ रही थी, तो अब आप इमेज कैसे लगाएंगे, डिज़ाइन टाइप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड देन पिक्चर और टेक्सचर फिल को आप सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। यहाँ से आप वो पिक्चर फ्रॉम अ फाइल पिक्चर को आप सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको रिक्वायर्ड है और यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर देंगे। अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे फोटो एल्बम जो है वो सेंटर में आ रही है, बट जो मैंने प्रीव्यू दिखाया था उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट थी। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगी, होम पे जाके इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दूँगी। इसी तरह जो ये नीचे वाला टेक्स्ट है इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगी और इसके भी टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट साइड पे कर दूँगी। और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो मैं इंक्रीज करके 32 कर रही हूँ। सेकंड स्लाइड पे मूव करेंगे। सेकंड स्लाइड में आप देखेंगे कि जो स्लाइड है उसकी हाइट एंड विड्थ ज़्यादा है और इमेज जो है वो उसमें स्मॉल सी नज़र आ रही है। तो अब आप क्या करेंगे, इमेज के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, हाइट एंड विड्थ बोथ इंक्रीज़ करेंगे। अभी इसकी विड्थ तो हो चुकी है इंक्रीज़, अब इसकी हाइट भी करते हैं। इसी तरह आप सेकंड पे भी जाके इसकी भी हाइट एंड विड्थ को आप इंक्रीज़ करेंगे। टाइम वेस्टेज से बचने के लिए मैंने इसको ऑलरेडी जो है वो अलाइनमेंट कर लिया, इसकी फॉर्मेटिंग मैंने ऑल इमेजेस की कर ली है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन इमेजेस के नीचे कैप्शन खुद ब खुद आ रही है, अभी मैंने कैप्शन नहीं लिखी थी। तो ये कैप्शन वो वाली है इस फाइल को जिस नेम से मैंने सेव किया हुआ था, वो एज एन कैप्शन यहाँ पे शो हो रही है। आप अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसके ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको रिमूव करके अपनी जो आपने कैप्शन देनी है आप वो लिख सकते हैं। बट मैंने जो दी हुई थी वो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आएंगे और फर्स्ट स्लाइड में मैंने नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाई हुई थी। तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आके क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है इसको और एनिमेशन टैब के ऊपर जाके शेप के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी। देन मैंने ट्रांजिशन भी अप्लाई की हुई थी कि एक स्लाइड जो है वो नेक्स्ट में किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, आपको नज़र किस तरह से आएगी कि एक स्लाइड जो है वो चेंज हो रही है न्यू स्लाइड में। तो आपने ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करना है टैब के ऊपर, देन या कॉर्नर पे जाके आपको नज़र आएगा रैंडम, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब ये स्लाइड्स कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। अब एक और चीज़ जो है मैंने ये करनी है कि ये जो ईच स्लाइड है वह ऑटोमेटिकली चेंज हो, मैं कीबोर्ड या माउस से इसको चेंज ना करूँ। टाइमिंग्स को देनी होगी, यहाँ से हम इसको टाइम सेट करेंगे कि 1 मिनट एंड 55 सेकेंड्स के बाद क्या हो कि खुद ब खुद चेंज हो जाए। 1 मिनट एंड इसको मैं जो है वो कर रही हूँ 55 सेकेंड्स। आप माउस से भी कर सकते हैं और साथ ये जो एरोस दिए हुए हैं आप इनसे भी कर सकते हो। तो मैं इन माउस से ही कर रही हूँ इसको, तो आपने इसको 55 कर लेना।
1 मिनट एंड 55 सेकेंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली चेंज हो। अब आपने क्लिक करना है अप्लाई टू ऑल के ऊपर। अप्लाई टू ऑल आपने कर लिया, यहाँ तक हम स्लाइड शो देख लेते हैं कि अब यहाँ तक वो कैसी बनी है, देन हम इसको आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि स्लाइड्स तो मूव हो रही हैं, कैप्शन भी आ चुकी है, ट्रांजिशन भी हो रही है खुद ब खुद, बट अभी इसमें म्यूज़िक हमने अप्लाई नहीं किया। तो अब हम इसमें म्यूज़िक इंसर्ट करेंगे। तो म्यूज़िक इंसर्ट करने के लिए आपने फर्स्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है, इंसर्ट की टैब के ऊपर क्लिक करना है और ऑडियो के ऊपर आपने आके क्लिक करना है, ऑडियो ऑन माई PC। यहाँ से आपने ऑडियो चूज़ कर लेनी है जो आपको रिक्वायर्ड है, एंड देन इंसर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको वॉल्यूम का आइकन नज़र आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आप ड्रैग करके सबसे कॉर्नर पे ले आएँ, देन आप देखेंगे कि ऑडियो टूल्स आपके पास आ चुके हैं, एक में फॉर्मेट एंड प्लेबैक है। तो आप देखेंगे प्लेबैक वाले में यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट इन क्लिक सीक्वेंस, जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे म्यूज़िक स्टार्ट नहीं होगा, बट मुझे ये है कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए जो ही प्रेजेंटेशन मेरी स्टार्ट हो। हार्ड ड्यूरिंग शो का मतलब ये है कि ये जो आइकन है मुझे रिक्वायर्ड नहीं है कि ये जब स्लाइड शो के दौरान भी मुझे नज़र आए, ये हाइड हो जाए, तो इसलिए मैं इसको क्लिक कर चेक मार्क कर रही हूँ। प्ले अक्रॉस स्लाइड्स का मतलब ये है, यहाँ पे भी इसको मैं चेक मार्क कर रही हूँ, और इसका मतलब ये है कि हर स्लाइड के बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चलता रहे, ये ना हो कि सिर्फ एक के ऊपर चले। और लूप अंटिल स्टॉप को भी मैं चेक मार्क कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि ये ना हो कि अगर मेरी ऑडियो बहुत स्मॉल है 2 सेकंड्स की है तो 2 सेकंड तक चले और उसके बाद वो रुक जाए और आगे फोटो एल्बम मेरी ऑडियो के बगैर चलती रहे। तो मुझे क्या है कि वो रिपीटेशन पे उस वक्त तक ऑडियो चलती रहे जब तक मेरी जो है वो स्लाइड्स कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को चेक मार्क कर लिया और ऑटोमेटिकली भी कर लिया। अब इसके मैंने क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो मैंने चेक कर लेना है, हाई होना चाहिए। यहाँ तक आपकी स्लाइड जो है फोटो एल्बम कम्प्लीट हो चुकी है, इसका स्लाइड शो देख लेते हैं। वीडियो थे जिसमें आपने फोटो एल्बम बनाना सीख लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।